नेपाल में आयोजित यूथ गेम्स इंटरनेशनल प्रो लीग चैंपियनशिप 2022 में रायबरेली के अभिषेक पाल ने अंडर 90 टाइक्वांडो प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। पुरस्कार जीतने के बाद अभिषेक पाल का फूल माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर हुआ जोरदार स्वागत। स्वागत समारोह में शामिल हुए अभिषेक के माता पिता व एडवोकेट अनीता श्रीवास्तव के साथ अधिवक्ताओं ने दी बधाई व शुभकामनाएं। हम अध्यक्ष सेंट्रल बार, आज आपके सेंट्रल बार में खुशी के पल हैं, क्या है इस कारण बताइए? हमारे जिले का गौरव इन्होंने बढ़ाया है। हमारे जिले का ये बहुत अच्छा होनहार बच्चा है जो कि आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसने खेल के एक झंडा गाड़ दिया। पूरे जिले का रायबरेली का नाम हो रहा है। इससे ज़्यादा खुशी रायबरेली के लिए और अधिवक्ताओं के लिए और बार के लिए इससे ज़्यादा और खुशी कोई हो ही नहीं सकती। आज ये खुशी के पल मनाए जा रहे हैं हमारे एसोसिएशन में, क्या हमारे जनपद का बेटा ताइक्वांडो इंटरनेशनल खेल के आया, स्वर्ण पदक लेके आया है और हम लोग इससे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पूरे जनपद में आज खुशी का माहौल है और हम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि और अच्छा ये खेल है और आगे जाएगा तो हमारे जिले का नाम रोशन होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बेटे को रायबरेली के लाल कोठे सारी बधाई, इनके परिवार को, इनके माता को, इनके भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे जनपद के और बच्चे आगे बढ़े और स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम हमारी सरकार से, हम लोग अपनी सरकार से बात करेंगे, बहुत बड़ा स्टेडियम होगा जहां पर हमारे जनपद के सारे बच्चे खेलेंगे और आज एक अभिषेक निकला है, हर घर से एक अभिषेक निकले, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय दीजिए। शुभम अवस्थी, एडवोकेट। शुभम जी, आज दीवानी कचहरी में एक कार्यक्रम मनाया जा रहा, खुशी का पल है, किस लिए? ये एक युवा लड़का है अभिषेक पाल, निवासी लालगंज, पूरे लाल जी का पुरवा पड़ता है, तो वहाँ का एक लड़का है जो कि गेम्स, यूथ गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से नेपाल में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें कि लड़का गोल्ड मेडल लाया है। काफ़ी प्रतिभावान व होनहार खिलाड़ी है, इसको अगर बढ़ावा मिलता है तो ये आगे और भी बड़े स्तर पर अपने देश का नाम रोशन कर सकता है और तकरीबन इसके पास 18 से 20 गोल्ड मेडल ऑलरेडी मौजूद हैं और इसी खुशी के पल को मनाने के लिए हम सब आज यहाँ मौजूद हैं। अधिवक्तागण, सभी वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे अध्यक्ष जी कमलेशन पांडे जी, हमारे वरिष्ठ समाजसेवी विकास त्रिपाठी भैया जी और देवेश शुक्ला भैया जी, सभी लोगों ने मिलकर इनका सम्मान किया है और इस सम्मान पर हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुमित्रा पाल। आज जो आप लोग खुशी मना रही हैं, क्या बात है? मेरा बेटा शेख पाल है, जो बचपन से ही इसका खेल में बड़ी रुचि रही और कभी जब भी खेलने गए तो गोल्ड मेडल ही लेके आए। इनके लगन को देखते हुए मैंने इनका सहयोग किया और यही है कि ये आगे बढ़ते रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय जब खेल गया है स्वर्ण पदक लेके, जिस दिन ये नेपाल गए हैं उस दिन तो मुझे पानी भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा बेटा विदेश में गया है खेलने के लिए। अब शेख ने स्वर्ण पदक जीता है और आने वाली जो पीढ़ी युवा है उनके लिए क्या आप देंगे? हम ये कहते हैं कि सब बच्चे होनहार अपने उसको करते रहे, अपने माँ बाप को गौरव बढ़ाते रहे, देश के नाम रोशन करते रहे। अभिषेक पाल। अभिषेक जी, आज ये खुशी के पल है, किस लिए? सर, मैंने मेहनत की, मेरे माता पिता का आशीर्वाद था, मेरे कोच का आशीर्वाद था। मैंने नेपाल में आयोजित हुई इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो कि रंगाशाला स्टेडियम पुखरा में हुई थी, स्वर्ण पदक जीता है और आगे भी मेरी खेलने की इच्छा है और आगे भी मेडल लाने की इच्छा। अच्छा, ये आपकी रुचि कैसे जागृत हुई खेल के प्रति? कब से आप तैयारी कर रहे हैं? सर, मैं पिछले 2013 से खेल रहा हूँ। मैंने सबसे पहले 2013 सुल्तानपुर में डिस्ट्रिक्ट का मैच खेला था, उसके बाद से मुझे इसकी लत लग गई, खेलते खेलते आज मैं इंटरनेशनल। कितने मेडल आप जीते हैं? सर, आज की डेट में मेरे पास 18 गोल्ड मेडल है, साथ में 2 सिल्वर मेडल। इसका श्रेय किसे देंगे आप? सर, मेरी माता और मेरे कोच को।